गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. वी हैव सॉल्व टू सेंटेंसेस ऑफ दिस पेज इंग्लिश ग्रामर बुक. कंटिन्यू विद दैट. थर्ड वन इज द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई. इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट, सो इट इज योर स्टेटमेंट. ये एक सिंपल सी बात है कही हुई. सब्जेक्ट आगे है इसमें, प्रेडिकेट बाद में है, तो सो इट इज अ स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन इज डोंट टॉक इन माई क्लास. अब डोंट है इसमें, देखो क्या आ गया. डोंट नेगेटिव वाला आ गया, नो है. अब डिनाई कर रहे हैं इसमें, तो इसको क्या लिखेंगे आप. नेगेटिव क्या लिखेंगे आप इसको बेटा. नेगेटिव इम्पेरेटिव नहीं लिखेंगे आप इसको, क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ है. देखो हम वापस आके पढ़े. These sentences are negative sentences because they have the word not or no and deny something. और ये किसी को मना कर रहे होते हैं. हम क्या कर रहे होते हैं इसमें, मना. So it is negative. क्या आएगा यहाँ, negative क्या आएगा बेटा, negative. Okay. Next one is children please come inside the class. सो इट इज इम्परेटिव, क्योंकि उसमें चिल्ड्रन को रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना. नेक्स्ट वन, शी इज नॉट वेरी हैप्पी. शी इज नॉट वेरी हैप्पी. अगेन नेगेटिव आ गया, डिनाई किया जा रहा है, सो इट इज ऑल्सो नेगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट वन, प्लीज टेल अस द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला. फिर उसको रिक्वेस्ट की जा रही है, सो इट इज माई इम्पेरेटिव सेंटेंस. एट्थ वन, शी इज नॉट सिंगिंग. नोट आ गया इसमें, मना कर रहे हैं, सो इट इज नेगेटिव. नेक्स्ट वन, वट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इट वॉज. इन द एंड देर इज अ एक्सक्लेमेशन मार्क, सो वी विल राइट इट एज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेंथ वन, शांति यू शुड गो टू डॉक्टर. अब आप इसको क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना उसको, कि उसे क्या करना चाहिए, उसे एक सजेशन दे रहे हैं, सो इट विल बी इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके बेटा, नेक्स्ट वन देखो, मेक सेंटेंसेस एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट. आपको इनको ब्रैकेट में जैसे दिया हुआ वैसे ही वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करना है. टीचर, उससे आपको एक क्वेश्चन बनाना है. देखो, हु इज योर इंग्लिश टीचर, what does teacher teaches you, teach you, what is the name of your teacher, kuch bhi aapko jo acha lage. who is your favorite teacher, aap teacher ko use karna aapko question mein leke. okay. next one is classroom. ab classroom mein where is imperative sentence banana, ye dekhna aapko, matlab verb sabse pehle aani chahiye. go to your classroom, come into the classroom. थर्ड वन, फ्रेंड. फ्रेंड में आपको स्टेटमेंट बनानी है, सिंपल सेंटेंस. यू कैन राइट एनी नेम एंड राइट डाउन, रोहन और राम्या इज माई बेस्ट फ्रेंड. आपको कोई भी एक नेम लिख के आगे लिख देना है, इज माई बेस्ट फ्रेंड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेंटिंग. आपको इससे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाना है, मतलब कुछ एक्सप्रेशन देना है, कुछ फीलिंग्स बतानी है. आर यू हैप्पी और सैड विद द पेंटिंग. तो देखिए, वट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इट इज. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का सबसे बड़ा मार्क होता है इसमें इज, वॉज, ऐसे वर्ड्स लास्ट में आते हैं, ये ध्यान रखेंगे. वट, हाउ, वाओ, ऐसे वर्ड्स स्टार्टिंग में आएंगे और हेल्पिंग वर्ब लास्ट में. नहीं तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, वट इज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, ऐसे होता है ना, जैसे यहाँ लिखो इज यहाँ है, लेकिन एक्सक्लामेटरी में कहाँ आता है, लास्ट. ओके बेटा, एंड एन एक्सक्लामेशन मार्क. हियर दिस चैप्टर कंप्लीट्स. इफ यू हैव एनी डाउट आस्क फ्रॉम मी एनी टाइम, यू कैन कॉल मी. ओके बेटा, नाउ टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर टू चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ओके बेटा, आपका जल्दी ही ग्रामर के टॉपिक्स का टेस्ट होगा, सबका इकट्ठे होगा तीनों चैप्टर्स का. सो गेट रेडी एंड लर्न योर ऑल द चैप्टर्स थॉरली एज आई एम डूइंग विद यू.
और ग्रामर बुक में से होगा ये टेस्ट, इसलिए बुक में से ध्यान से कर लीजिए सभी एक्सरसाइजेस। ओके बच्चा, बाय बाय, सी यू सून।